बाप रे, ही परिस्थिति व्हायची. दानकपते कसं पकडले? जोनाथन बच्चा ऐसा नहीं पकड़ते दोस्त. मतलब है तू बीजेएमआई का बादशाह है, मान्य कर रहे हम, तू किंग है, लेकिन स्नूकर और पूल का जो स्टिक होता है इसको ऐसे नहीं पकड़ते दोस्त. ये क्या कर रहा है दोस्त, ये क्या कर रहा है? घोखा दे रहा है, बैल को घोखा दे रहा है क्या? क्या कर रहा है यार ये? लॉस भी यहीं पे, क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ यार, अरे इसकी स्ट्रीम कोई, अरे इसको लेके जाओ घसीट के, इसकी स्ट्रीम करा, इसको जबरदस्ती 12 घंटे की स्ट्रीम कराओ यार कोई. तो सब लोग झूठे, सब लोग झूठ बोल रहे. अच्छा गावत रे, माझी नस कापर कोणीतरी, माझी नस कापर, मला खलास व्हायचं, मला खलास व्हाय, मेरे को मरने का है. संतनु जी टॉपिक छोड़ ही नहीं रहे, पूरे वीडियो में छा गए संतनु जी. संतनु जी ने मार्केट एरिया हिला के रखा है दोस्त. नहीं है क्योंकि 30-35 लोग रहते थे, ढूंढना नहीं पड़ता था किसी को भी, ढूंढना है तो इजीली अवेलेबल था, किसी को बुलाना है तो आवाज देते. इधर ऐसे हाइड एंड सीक वाला होता है, या अमर है, किसी को ढूंढना है तो मतलब कोई कभी मिलता नहीं तो. ये क्रॉन्टे का भाई है क्या? बहुत प्यारा है बंदा, मैं तो कभी कभी सीसीटीवी में देखता हूँ उनको. ये काप वाले बहुत सारी. अरे यार ऐसा टॉपिक का है, थम जरा. झील पटेल न्यूट्रिनो, अरे इसको मैंने कभी देखा क्यों नहीं रे? अरे मुझे क्या पता. अच्छा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल प्लेयर है, स्ट्रीमर है गॉडलाइक टीम का. ओके लगता भी कॉल ऑफ ड्यूटी का ही प्लेयर है रे, एकदम खुखार है देखना. हाँ ओके, तो वहां पे ऐसा था एक तू बहुत प्यारा है दोस्त, छोटा सा एरिया था तो वहाँ पे सारे प्लेयर्स हम एक साथ बैठ के पूरा लाइक डिनर. ये शंतनु जी, ये बहुत प्यारे है, वगैरह हो गया, लंच हो गया एंड मस्ती मजाक बहुत ज्यादा होता था, वो थोड़ा मिस होता है उसमें अभी. तो यहाँ पे क्या मातम मचा रहे हैं क्या लोग? मिस हो रहा है? अरे इतना प्यारा गॉडेल हाउस है, एंजॉय करने का टाइम है तो मिस काय का हो रहा है? एक जगह पे खड़े होने का, बीच में है ना बड़ा वाला हॉल, धींगा ना करो. मिस हो रहा है, इनको स्पेशियस चीज है, मिस काय का हो रहा है, धींगा ना करो. इमोशंस जुड़ गए थे क्योंकि थोड़ा थोड़ा गाइस स्किप करूंगा, एडजस्ट कर लो क्योंकि 38 मिनट का है, बहुत ज्यादा है, समझो बात को ठीक है. हेलो गाइस, मैं हूं आपका क्रंटन और आज हम फाइनली हमारा जो गॉड लाइक का बूट कैम है उसको रिवील करने वाले हैं, जो हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है और जो भी हमारी मैनेजमेंट टीम है उनको हमने क्या क्या फैसिलिटीज दी है गॉड लाइक बूट कैम पे. तो स्टेप बाय स्टेप हम वो सारी चीज़ें रिवील करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं गाइस पार्किंग से. यहाँ पे हमारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उनके लिए मिनी कूपर है तिकड़े मागे, इच्छा गावत यांच्या. मिनी कूपर क्यों दिखा रहा है क्रंटन? पार्किंग दिखा ना, कोणाची मिनी कूपर आहे विचारा लागेल, एक राउंड पाहिजे भाई. एक कार पार्किंग भी है एंड देन हम चलते हैं गाइस जिम की ओर. और अभी मॉर्निंग हो चुकी है तो मॉर्निंग में यहाँ पे सारे प्लेयर्स जिम. नो 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 ट्रेंड है, सब लोग कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स प्लेयर फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन क्रॉन्टन भाई बोला कि हम लोग पहले फिटनेस पे ध्यान देंगे बाद में गेम पे फोकस करेंगे. वो तो क्रॉन्टन से पोट भाग उठे चल रहे, त्याचा पोटात मध्ये हलवा पहले, फिटनेस वरती ध्यान द्यायला निघालाय, त्याचा पोटात हलवा पहले. तो पहले हे बाहर आ गए जिम के, चलो आगे बढ़ते हैं. तो जैसे गाइस ये लिफ्ट देखना, अभी लिफ्ट कैसी है. हम लॉबी से एंटर करते हैं तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है गाइस लिफ्ट, और पीछे वाला जो रूम है आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा सर्वर रूम एंड सिक्योरिटी रूम. एंड गाइस ये जो आपके पीछे जो वॉल है उसके ऊपर हमने जो ग्राफिटी बनाई है तो देख सकते हो दिल से गॉड लाइक. एज यू नो ये हमारा हैशटैग है दिल से गॉड लाइक. जैसे ही सारे प्लेयर्स अंदर आते हैं तो सबसे फर्स्ट जिम के बाद लॉबी से जैसे एंटर करते हैं तो दिल से गॉड लाइक पढ़ के बूट कैंप में चले जाते हैं, ताकि उनको एक ऐसा गेमिंग के रिलेटेड ऐसा मन में रहे कि. तो हे गाइस हम हमारे कंटेंट हाउस की यहाँ से हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर
दबा दिया है। और गाइस ये जो हमारी लिफ्ट है ये आपको कैसे लगी बताना। इसको भी हमने नाम दिया है गोल्डन लिफ्ट। यहाँ ऊपर आरजीबी लाइट्स है वो भी आप देख पा रहे होंगे, रिफ्लेक्शन आपको आ रहा होगा। ये हमारा क्रू गाइस जो हमें बूट कैंप रिवील में हेल्प कर रहे हैं, शूटिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर आपको जो है पूरा हम बताने वाले हैं कि क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है हमारे गेमिंग। गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे गुरु भाई व्लॉग शूट कर रहे हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साजों में डलते हैं, एक पल में तुलसी बन गया आज। जब देखो कैमरा लेके पूरा बूट कैंप में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन अभी तक रिवील नहीं हुआ है तो बेचारा कंटेंट नहीं डाल पा रहा है। जैसे रिवील हो जाएगा गुरु के चैनल पे काफी सारा कंटेंट आने वाला है। तो गाइस मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसके बारे में आपको गुरु बेटर बता सकता है क्योंकि वो हमेशा ही पीछा गावा क्रॉन्टन्स देन। आप जो हमारा एक्सपेंशन रूम डन, अब मैं लेके चलता हूँ तुम लोगों को। So, ये ऐसा आवाज बादशाह इसका। तो तुम लोग को हम क्रॉन्टन्स डेन दिखाते हैं जहाँ क्रॉन्टन एंड अमर स्ट्रीम करते हैं। ये देखो अमर कब से स्ट्रीम करने लगा है, जहाँ वर्टिकल मॉनिटर लगा है, एक हॉरिजॉन्टल मॉनिटर लगा है, सीपीयू है विद क्रॉन्टन। कब से स्ट्रीम करने लगा बे हैं? तो जरा एक मिनट चिप्पी कहाँ है बे क्रॉन्टन कहाँ है? सात महीने पहले उजड़ गया है अपना सर। स्ट्रीम किधर है भाई? स्ट्रीम कहाँ पे स्ट्रीम कर रहे हो तुम आजकल? हमें भी बताओ कौन सा ऐसा नया प्लेटफॉर्म लाए हो जहाँ पे तुम स्ट्रीम करते हो? अरे सात महीने पहले स्ट्रीम करिए चैनल पे, शर्म आनी चाहिए। चैनल मेरे को दे दे, मैं कुछ डालता है उस पर। 2 मिलियन का चैनल सूखा पड़ा हुआ है दोस्त। अरे कितना वाइट वाट है यार, गावत डुक्कर इधर कितना इधर सो गुड बाबा। तुम लोग देखो कैमरा कितना खतर। रूटर पे स्ट्रीम? अच्छा रूटर पे चल रही है स्ट्रीम। बाप रे कैमरा तो देखो, कैमरा तो देखो लगा हुआ है। माइक कितना मस्त है, माइक भी देखो। मैं एक डेढ़ एक महीने में जाता है इसके माइक पे ना 1 किलो की धूल और कैमरा पे धूल लगी होगी, सारा रक्स करके गायब करके लाते। देख देखना तुम लोग तबाही एकदम सुपर। एंड गाइस ये सेटअप ना पूरे बूट कैंप में सारे पीसी का है, सीरियसली सारे पीसी का है। और इधर देखो थोड़ा सोफा है जिसपे विजिटर्स आके बैठ सकते हैं। इधर बिन बैग विजिटर नहीं, वो क्रॉन्टन खुद सोएगा उधर। वो खुद सोएगा, अबे मैं बता रहा हूँ तेरे को, वो सोएगा उधर दोस्त, मैं बता रहा हूँ। एंड द मेन थिंग दिल से गॉडलाइक का लोगो, सीरियसली ये ना सबसे रिलेटेबल है। सो गाइस आ जाओ तुम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा 2 ग्राफिटीज दिखाता हूँ। पहला ग्राफिटी है जेट का, जो भी वैलोरेंट खेलता होगा सभी को पता होगा इस कैरेक्टर। वैलोरेंट गेम है ना, फेवरेट है सभी का फेवरेट। एंड ये है दूसरा कैरेक्टर। ये कौन सा कैरेक्टर है भाई? अभी रुकना, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये कोबरा बंडल। ओके चल निकल। सो गाइस ये तू कौन सा कैरेक्टर है बे? ये कौन है भाई? ये कौन था? ये कौन है? ये पक्का मैं बता रहा हूँ वैलोरेंट प्लेयर होगा ये, मैं बता रहा हूँ अंदर की बात। ये वैलोरेंट प्लेयर होगा, इसका चेहरा देख के पता चल रहा है। सीरियसनेस देख उसकी, एकदम फोकस है लाइफ में। अंगोल करने गया है, अंगोल करते ही तुरंत फिर से बैठेगा, फिर वैलोरेंट खेलता जाएगा। ये वैलोरेंट वाले प्लेयर है ना, दिमाग इनका अलग ही जगह चलता है भाई। दिन रात वैलोरेंट 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 वैलोरेंट। फ्री फायर भी खेलता है क्या तू? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ये कौन सा कैरेक्टर है? ये कोबरा बंडल। ओके चल निकल। कोबरा कोबरा मंडल, कोबरा बंडल है। और कोबरा कोबरा सारा रूम। अच्छा कोबरा बंडल फ्री फायर, ठीक है चलो। आ जाओ तुम लोग को दूसरा केबिन दिखाते हैं। दूसरा केबिन में लोल्स बैठा हुआ है और स्ट्रीम कर रहा है। ओके 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 ठीक 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 ठीक, मैं चेक करना है स्ट्रीम कर रहा है। लोल्स बैठा हुआ है और स्ट्रीम। लोल्स कसला खोटर डे रे तू, कसला खोटर डे रे। वहां पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है दोस्तों। लेफ्ट में बॉटम में नीचे ग्रीन दिखता है, कहां पे स्ट्रीम कर रहा है ये? क्यों झूठ बोल रहा है बंदा, मैं जानना चाहता हूं ये झूठ क्यों बोल रहा है। कहां पे स्ट्रीम कर रहा है तू मुझे बता। और इतना बड़ा स्क्रीन करके कौन स्ट्रीम करता है? ओबीएस बाजू में रखते हैं ना अपन छोटा करके, तू इतना बड़ा स्ट्रीम कैसे कर रहा है? मैं बताता हूं तुमको अंदर की बात दोस्तों। ये देखो ये दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ये ओबीएस है, ये ओबीएस है, देखो ये ओबीएस है, यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन, दिख रहा है ग्रीन नीचे मेरे, यहाँ पे चिप्पी, ये देखो यहाँ पे ग्रीन, इसको ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रीम चालू होना। आईच्या गावात रे खोटेपणाचा कळत चालवलं रे, मला तर आत्महत्या करायची इच्छा होते, किती सिरियसनेस दे, ठीक आहे तेरी प्रायव्हसी में वो आया, उसको बोल भाई इधर से निकल, वो चला जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या स्ट्रीम कर रहा हूँ झूठ बोल के डायरेक्टली, क्या गावत गरुड़ा गेमिंग, ओके हाँ स्ट्रीम कर रहा है, बाप रे उसको डिस्टर्ब मत कर, उसको करने दे जो मैं मोबाइल में कर रहा है दोस्त, भगा ही दिया है, सरल सरल ये वीडियो देख के तेरे को पता चलेगा कि भगा ही दिया है तेरे को। और फिर इधर स्पाइक बैठा हुआ है, ओके भाई रैंक पुश चल रहा है गाइस, ये देखो हैशटैग वन पे बैठा हुआ है, सीरियस हैशटैग वन पे, और फिर इधर स्पाइक बैठा हुआ है, ओके भाई रैंक पुश चल रहा है गाइस, अरे ये वन पे गाइस, ये बंदा इतना भाष्य प्लेयर है, अच्छी कटकट मॉडल स्पाइकी इज्जत रे दोस्तों सच में, अरे बताओ ना चैट में, आई शपथ रे इंडिया सर्वर वन स्क्रिप्टेड थ्राउ, आई नो यार याला हकला रे अकून तेरे स्क्रिप्टेड, एंजॉयमेंट ब्रो गाइस, ये देखो भाई एक नंबर पे वो इज्जत है यार स्पाइकी, बहुत बड़ी बात होती है, और ये देखो खूबसूरत सा गॉड लाइक का लोगो तगड़ा वाला, यहाँ से ना बहुत ज्यादा अगर मेरा रूम खुलेगा तो बहुत, ये बहुत प्यारा बंदा लग रहा है, ये मस्त बता रहा है, और यहाँ पर एक और ग्राफिटी है जिसमें गॉड लाइक का सबसे फेमस पैन करना है भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये, एंड फर्स्ट फ्लोर का मैंने तुम्हें सारा चीज दिखा दिया, सेकंड फ्लोर का तुम्हें नियो दिखाएगा, मैं जर्सी चेंज कर गया, ओके डन, सो व्हाट्सअप गाइज, आपको जैसे पता है कि गुरु भाई ने सेकंड फ्लोर पूरा मुझे अभी सौंप दिया है, ये तो अभी हम लोग जाएंगे पूरा फ्लोर बीजेम आएगा स्ट्रीमिंग रूम में जहाँ पे वो अभी स्ट्रीम कर रहा रहेगा, भाई साहब ये तो सोया पड़ा है, ओए उठ जा बाहर जा भाई बाहर जा, उठ जा उठ जा, कितना सोता है तू, सो जैसे आप लोग देख सकते हो गाइज ये जोनाथन का सेटअप है, ड्यूअल मॉनिटर सेटअप किया उसने विद DSLR, और ये उसके ट्रॉफीज है जैसे आप लोग को पता है उसको जितना पसंद है, ये गॉडेल का लोगो और ये पूरा उसने अपने हिसाब से सेटअप किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी एड ऑन करना बाकी है आप लोग को पता है, तो जोनाथन अपने हिसाब से कर लेगा वो, अभी डायरेक्ट हम लोग जाएंगे हम लोग के रूम में जहाँ पे हम लोग सोते हैं जहाँ पे हम लोग ग्राइंड करते हैं, और आप लोग को पता है अपनी टीम बहुत ज़्यादा ग्राइंड करती है, तो आ जाओ अपन देखते हैं, भाई साहब वापिस एक बार जाके देखते आ जाओ, कर रहे ग्राइंड कर रहे सब लोग, सो गाइस ये हम लोग का रूम है यहाँ पे हम लोग सब लोग सोते हैं, ये हम लोग के मैप्स है जो हम लोग टूर्नामेंट के पहले एडो के स्ट्रीमिंग डेकोरेट नहीं किया गाइस, और थोड़े बहुत से पोस्टर में मैं आपको बाकी रूम्स दिखाऊंगा, हम लोग के बाजू में मैनेजमेंट का, देखो मैं हर चीज पे रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीजें होती है जिसपे मैं नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा चल रहा है जो चल रहा है, आप कंटिन्यू देखो मैं भी देख रहा हूँ ठीक है बच्चा, तब तक लाइक करो 20,000 लाइक रपाक करके हो जानी चाहिए, जहाँ पे मैनेजमेंट वाले सोते हैं, सो गाइस ये है ZGOD का स्ट्रीमिंग रूम, ये ZGOD का पूरा स्ट्रीमिंग रूम है, और ये मैनेजमेंट रूम है, और यहाँ मैनेजमेंट पूरा मैनेज करती है हम लोग की बीजे, स्ट्रीमिंग रूम ही नहीं दिखाया भाई, देख सकते हो, और एक गेस्ट रूम हम लोग ने रखा है, सो यही है हम लोग का सेकंड फ्लोर पे, अभी घातक आएंगे और घातक आपको एक्सप्लेन करेंगे थर्ड फ्लोर, बुला 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 मेन माय मेन 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 घाटिया को बुलाओ, तो आपको नियो ने पूरा का पूरा बता दिया है, अपना मेन गोल जो है उसको देख के हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे गेमर्स पैराडाइज द गॉड लाइक अरेना में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और सबसे पहले देखो ये एरिया बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आपको ये अपनी फीमेल्स की लाइनअप है, और ये ग्रीम पाजी यहाँ पे क्या कर रहे हैं पाजी, अल्फा ट्रायआउट चलेगा, ओके हमारे यहाँ पे भी चल रहे हैं ट्रायआउट्स, चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा फुटबॉल टेबल है, और लॉस भैया यहाँ पे चिल कर रहे हैं, चिलिंग एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे अपनी BGMI की टीम ग्राइंड करती है डेली, जितने भी मैचेस रहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे ही, यहाँ पे एक TV लगा हुआ है जहाँ पे सारे जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गया, वैलो हो गया, या फिर किसी भी गेम्स के,
तो यहाँ पे वो सारे मैचेस दिखाए जाते हैं एंड देन अपने सारे बाकी की सारी टीम्स यहाँ पे बैठ के वो एंजॉय करती है मैचेस। आगे बढ़ते, ये अपनी 2-2.5 साल से अनडिफिटेड टीम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की, जो हमेशा हर टूर्नामेंट जीतती है। और आपने एक चीज, हाँ, गरुड़ा गरुड़ा इनके साथ खेल रहा है शायद कॉल ऑफ ड्यूटी। हर रूम में आपको एक टीवी दिखेगा, जितने भी मैचेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इनके मैचेस खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जितना भी एक थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मिलता है, एक शॉर्ट एनालिसिस हो जाता है, मतलब कुछ गलतियाँ हुई है या फिर आपकी कुछ, मतलब कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है तो वहाँ पे वो स्टडी कर लेते हैं। आगे बढ़ते, यहाँ पे हमारे दो धुरंधर बैठे। अरे अभी तो आप सोए हुए थे शंतनु जी, आप अचानक यहाँ पे कैसे आ गए हैं? आप बार बार क्यों आ रहे हो क्रू में? मैनेजमेंट टीम के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई डोंट नो किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं बट कर रहे हैं। और अपने कंटेंट क्रिएटर बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली फ्री फायर का अबे किसी के शादी में ना गाइस खाना मिलने वाला है थोड़ी देर में, और उसके लिए चारों बैठे वहाँ पे रिलैक्स। और शादी किसकी है एक्चुअली इनको भी पता नहीं है, बस ये वेट कर रहे हैं कि खाना आए और हम लपके। दोनों के चेहरे देखो, वो गुरुजी और ये जो है सर, उनका चेहरा देखो, चेकिंग द चेहरा द फेस द मैन। और बीच में राउटर देखो, बाप रे, राउटर के फने निकालो ऐसे और उसको घुमाओ, हैं चक्रा को चक्किया लाइए, पंखा बन जाएगा पंखा। ये कौन सा राउटर भाई, इतना बड़ा राउटर। और आगे बढ़ते यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जितने भी मतलब छोटी छोटी चीजें ऐड की है, ट्रेंडी लाइट्स हो गए, ये बहुत सही किया हुआ है। ये जगह को हम लोगों ने ऐसा बनाया कि मतलब कोई भी लोल भी ऊपर आ गया स्क्रीन छोड़ के, बराबर टॉपिक लिया बराबर टॉपिक लिया। अभी थोड़ी देर पहले वो लोल्स बोल रहा था स्ट्रीम चले और भगा दिया उसको बेचारे को, और ये ऊपर आ गया स्ट्रीम छोड़ के। अरे ये चैटिंग कर रहा था, ये करनू आर्मी का सदस्य लग रहा है मेरे को, ये चैटिंग कर रहा था और अब रक्स करके ऊपर है। सब लोग गुस्सा हो जाएंगे, शूटिंग चल रही है, मैं ऊपर जाता हूँ, तेरे से बाद में बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, ओके ना, हाँ आ गया ऊपर। अरे काय रे विषय चल रहा है, मान तो टेंशन आ ले, उनको आगे देखते हैं परफॉर्म करने का मन करे, एक डेडिकेशन मिले, ट्रॉफी देखो, ट्रॉफी बच्ची के दिल में। घातक ने आपको गॉडलाइक अरेना के बारे में बता ही दिया है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लोर के बारे में। तो गाइस जैसे खाना वर हम आ रहे हैं अपने गॉडलाइक चिल कैफे में। या मैंने यहाँ पे चाय पी है, बाप रे। तो चिल कैफे में आते हमको दिखता है एक टेबल टेनिस जिसपे न्यू प्लेयर्स कुछ नूवी गेम खेलेंगे, और ऑब्वियसली अबे वो कॉल ऑफ ड्यूटी वाला बंदा तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था, अचानक टेबल टेनिस खेल रहा। उसके बाद गाइस इधर हर जगह पे टेबल्स रखे फॉर डाइनिंग, लंच, ब्रेकफास्ट, जो भी है कर सकते इधर। अच्छा बेटे अभी चिल कर रहे हैं, और चिल नहीं कर रहा, चैटिंग चल रही है उसकी, चेक कर उसका मोबाइल। इधर गाइस प्रोजेक्टर लगा दिया है, मूवीज देखते हैं हम, उसमें पार्टीज वगैरह करते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं, मैचेस वगैरह होता है वो देखते हैं। इधर ऑब्वियसली गर्ल्स बैठी है। गाइस इधर आते एक सुंदर सा व्यू दिखता है जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है बूट कैंप में। इस साइड पे रखे गाइस मिस फैन। अरे फिर शंतनु जी आ गए यार, हर टॉपिक में ये बंदा है भाई, ये क्या करे इस बंदे का क्या करूं मैं। अभी नीचे थे ग्राउंड फ्लोर के पास, ऊपर आके सो गए, ऊपर आके एकदम वो बीजेएमआई वालों के पास जाके बैठ गए, अभी उधर से भाग के ऊपर आके खाने के लिए बैठ गए, कंटिन्यू ये फ्रेम में आ रहे, इनका क्या टॉपिक है यार शंतनु, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। जो कि गर्मी में थोड़ा कंटिन्यू शॉवर, जो नहाते नहीं उनको होता है ना थोड़ा। और आपने गुरु को भी आपके साथ ले लिया, उसको भी ऊपर लेके आ गए, कंटिन्यू आ रहे ऊपर यार, लॉज भी यहीं पे, क्या बात कर रहे हो। अरे हाँ यार, अरे इसकी स्ट्रीम कोई, अरे इसको लेके जाओ घसीट के, इसकी स्ट्रीम करा, इसको जबरदस्ती 12 घंटे की स्ट्रीम करा यार कोई तो। सब लोग झूठ बोल रहे, इनको नींद नहीं आ रही थी, ये स्ट्रीम नहीं कर रहा था, और ये बंदा अच्छे से बात कर रहा था, अचानक टॉपिक छोड़ के पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया, लेकिन अचानक से यहाँ पे आ गया, चल क्या रहा है भाई, लाइक लंबटी। और गाइस ये लास्ट वाला, वहां पे बाथरूम में मैंने सू की थी, वहां पे सच में की थी, अपना इंडोर डाइनिंग एरिया, वो ऐसा कोपरे में बाथरूम है, इधर इधर इस साइड, ये एसी डाइनिंग एरिया, क्योंकि बहुत गर्मी में थोड़ा एक चिल।
आईच्या गावात रे माझी नस कापर कोणीतरी माझी नस कापर मला खलास व्हायचंय मला खलास व्हाय मेरे को मरने का है संतानू जी टॉपिक छोड़ ही नहीं रहे पूरे वीडियो में छा गए संतानु जी संतानु जी ने मार्केट एरिया हिला के रखा है दोस्त ए उठ जा आई ग तो आप सभी ने अभी न्यू बूट कैंप देख ही लिया है आगे भी बहुत सारे भाई मैंने तो संतानु जी को देखा है दोस्त बूट कैंप बाद में देखा संतानु जी कंटिन्यू दिख रहे थे कंटिन्यू और टॉप लेवल पे स्ट्रीम करने वाला लॉल दिख रहा था दोस्त प्लान एंड अपडेट्स है आपको टाइम पे मिल ही जाएंगे आज के लिए बस ओवर एंड आउट थक गया यार मैं वो कैमरे लेके जाओ आप पहले प्लीज अच्छा है पिक्चर भी बाकी है मजा आ रहा है मैं पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देख रहा हूँ आपको इस बूट कैंप के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है थर्ड फ्लोर मुझे संतानु जी पसंद है दोस्त दिल से पसंद है संतानु जी बहुत प्यारे वो अल्फा क्वीन अच्छा इनके साथ खेले हैं बाप रे ये परिस्थिति भाई जी दानकपते कैसे पकड़ ले जोनाथन बच्चा ऐसा नहीं पकड़ते दोस्त मतलब है तू बीजेएमआई का बादशाह है मान्य कर रहे हम तू किंग है लेकिन स्नूकर और पूल का जो स्टिक होता है इसको ऐसे नहीं पकड़ते दोस्त ये क्या कर रहा है दोस्त ये क्या कर रहा है धोखा दे रहा है बैल को धोखा दे रहा है क्या क्या कर रहा है यार ये वाह गेला गेला तो बस पहला टेंशन आले एक मी आलो कुठे भाई काय चालले अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना